बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स में अपने चैप्टर का चौथा लेक्चर सुनने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमें कैलकुलेट विद द फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन हम अब तक पढ़ चुके हैं उससे मुतल्लिक कुछ सवालात हल करने हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में है, हमने पढ़ा था। कोई एक चीज़ होती है, उस चीज़ के बराबर बराबर जितने टुकड़े किए जाते हैं। फर्ज़ कीजिए मेरे पास एक चीज़ थी, मैंने इसके बराबर बराबर 6 टुकड़े कर दिए, तो नीचे हम टोटल पीसेस लिखते हैं और उनमें से जितनी पीसेस पर हम काम करेंगे या जितनी पीसेस की हम बात करेंगे वो पीसेस हम ऊपर लिखेंगे। तो ये जो इस वक्त मैंने शेड बनाया है दो खानों में, अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस पूरी चीज़ का कितना पार्ट है, कितना फ्रैक्शन है, तो हम बोलेंगे ये इस पूरी चीज़ का 2/6 पार्ट है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास के अंदर, पिछली 3-4 क्लासेस के अंदर इसको बहुत डिटेल के अंदर जो है वो हमने पढ़ लिया है। चलिए अब हम सवाल हल करते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि पहला सवाल, जो ईट्स 3/8 ऑफ अ लॉफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, एक ब्रेड है, उसका 3/8 जो है वो एक लड़का है जो उसने खा लिया है। ठीक है, तो एक लॉफ का मतलब ये आपके पास स्लाइस का बड़ा सा पीस है, 3/8 खाया है। 3/8 का मतलब उसके 8 हिस्से थे, कितने हिस्से थे उसके, 8 हिस्से बराबर बराबर। उसमें से जो ने कितने खा लिए, उसमें से जो ने 3 खा लिए, ये बात कही गई। जो ईट्स 3/8 ऑफ अ लॉफ, ये 3/8 है। ठीक है, ही देन ईट्स अनदर 2/8, फिर उसने दोबारा से 2/8 खा लिए मजीद। What part of the loaf has he eaten altogether? उसने कितना पार्ट खाए, दूसरी बार में उसने 2/8 खाए, पहली बार में उसने कितने खाए थे 3/8 और दूसरी बार में उसने कितने खाए 2/8, तो उसने टोटल कितने खा लिए 5/8। तो जो सवाल था कि जो eats 3/8 of a loaf of bread, he then eats another 2/8 of the same loaf. What part of the loaf has he eaten altogether? तो उसने सारा जो खाया है वो क्या पार्ट खाया है। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक सवाल हल कर लिया। इसके बाद अब दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं हम। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, जेनी ज्वाइंस प्लैंक्स ऑफ अ वुड। जेनी एक लड़का है जिसने ज्वाइन किया है, जोड़ा है, प्लैंक्स ऑफ वुड, लकड़ी के तख्ते को, लकड़ी के तख्तों को उसने जोड़ा है, टू मेक लॉन्गर प्लैंक, एक लंबा सा तख्ता बनाने के लिए। वर्क आउट द टोटल लेंथ ऑफ द प्लैंक। अब आपको ये पता चलाना है कि उसकी जो टोटल लेंथ है तख्ते की वो हर एक केस में क्या होगी। पहला केस है 3/10 ऑफ अ मीटर, उसने एक तख्ता लिया 3/10 ऑफ अ मीटर का एंड 7/10 ऑफ अ मीटर। इसका मतलब ये है कि फर्ज कीजिए ये एक मीटर है, उसने पहले उसमें से 3/10 निकाला। 3/10 का मतलब अगर मैं इसके बराबर बराबर 10 हिस्से करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर बराबर बराबर, तो उसने पहला जो तख्ता लिया है वो 3/10 है। 3/10 का मतलब ये वाला तख्ता लिया उसने पहले, इसको बोलते हैं 3/10। ठीक है, एंड 7/10 ऑफ अ मीटर, और बाद में उसने फिर ये 7/10 भी ले लिए। जब ये इसको जोड़ेगा तो क्या जवाब आएगा, पूरा एक मीटर जवाब आएगा। ठीक है, क्योंकि एक मीटर था ये,
इसके जवाब में आप लिखेंगे 1 मीटर और तस्वीर में ये बना देंगे पूरा। ठीक है, चलें ये ख़त्म हो गया। अब इसका बी देखिए, बी में वो कह रहा है 5/8 of a meter एंड 2/8 of a meter, यानी एक ही मीटर की राड है और 5/8 क्या कहता है, 5/8 का मतलब इसके उसने 4 बराबर बराबर हिस्से किए हैं। जब आप 8 कहते हैं तो इसका मतलब है 8 हिस्से उसने किए हैं बराबर बराबर। ठीक है, उसमें से 5, 1, 2, 3, 4, 5 एक उसने ये वाला तख्ता ले लिया प्लांक्स एंड 2/8 of a meter, बाद में उसने ये वाले 2 भी मिला लिए, तो टोटल कितने होंगे, 5/8 ये हैं, ठीक है, और 2/8 ये हैं, तो कितने हो गए दोनों मिलके, दोनों मिलके हो गए 7/8, 8 पीसीस के 7 टुकड़े हो गए दोनों। ठीक है, तो बी का जवाब आपको ऐसे तस्वीर बनानी है और तस्वीर बना के ये लिखना है। अब हम चले गए सी के ऊपर। 2 planks that are 3/4 of a meter each, दो उसने तख्ते लिए हैं और हर तख्ता 3/4 है। 3/4 का मतलब उसने ये एक तख्ता लिया और क्वार्टर का मतलब आपको पता है चौथाई हिस्सा होता है, यानी उसको एक के अगर आप 4 हिस्से करें तो ये जो एक हिस्सा होता है ये क्वार्टर कहलाता है, जबकि उसने 3/4 लिया, ये एक 3/4 ये रहा। ठीक है, और ऐसे उसने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो 3/4 और फिर एक और 3/4। ठीक है, तो ये हो गए 6, लेकिन 6/4 के अंदर एक तख्ता दोबारा से पूरा बन गया। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐड करूं तो 6 बने ना, देखिए एक और तख्ता अगर मैं लूंगा तो इसके उसके 3 हिस्से लिए और इसके 3 हिस्से लिए, अगर सिर्फ ये एक हिस्सा इसमें डाल दें तो ये बन गया 1 पूरा और ये 2/4, तो 1 पूरा 1 पूरा और 2/4, ये जवाब आया इसका। सी का जवाब क्या है, एक तख्ता पूरा और 2/4, ये बन गए इसके। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कर रहे हैं हम डी। 1 3/5 of a meter, 1 मीटर और 3/5 of a meter एंड 6/5 of a meter, तो 1 मीटर तख्ता उसने लिया 1 3/5, और फिर 3/5 का मतलब है इसी तख्ते के 5 बराबर हिस्से किए, 3/5 ये हो गया। ठीक है, एंड 6/5 of a meter, 6/5 का मतलब क्या है, यानी 1 मीटर के 5 हिस्से अगर किए जाएं, 1 2 3 4 5, तो इस जैसे उसने 6 लिए हैं। 6 का मतलब क्या होता है कि 1 तो मीटर पूरा हो गया और ये बचा 1/5। अगर मैं ये यहाँ दे दूँ तो ये हो गया 4/5 और ये हो गया 1 पूरा मीटर, और ये वाला 1 मीटर था, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, और ये एक जो मैं यहाँ इसके साथ दे दिया 3/5 के साथ, तो ये बन गया 4/5, तो 2 मीटर पूरा बना और उसके साथ क्या बना, 4/5। थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसने 1 3/5 का एक तख्ता ये लिया और फिर 6/5 का एक तख्ता लिया। 6/5 का मतलब क्या होता है,
भाई अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, कैस्पर हैज अ पीस ऑफ रॉप। कैस्पर एक लड़के का नाम है, उसके पास एक रस्सी के टुकड़े हैं, दैट इज 4/7 ऑफ अ मीटर लॉन्ग। ठीक है, 4/7 ऑफ अ मीटर लॉन्ग का मतलब ये है कि उसने एक मीटर लंबी रस्सी के 7 बराबर हिस्से किए थे और उसमें से 4 हिस्सों पर वो काम कर रहा है। एक रस्सी का टुकड़ा ये हो गया। He has another piece, फिर इसके पास एक और पीस है, that is 3/7 of meter, वो 3/7 of meter है। How much rope does he have altogether, दोनों मिलके कितनी हो गई। एक रस्सी उसके पास 3/7 है और एक रस्सी उसके पास 4/7 है, 3/7 और 4/7 हो गए 7/7, तो 7/7 का मतलब हो गया 1 meter। ठीक है, इसको समझ लीजिए, मैं अगर एक रस्सी ये बनाऊँ, ठीक है, और इसके 3/7 का मतलब ये है कि मैं इसको 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूँगा, 2, 3, 4, 5 और 6/7। तो पहला जो हिस्सा है वो है 3/7, सॉरी ये जो दूसरा हिस्सा है ये 3/7 है और पहला हिस्सा क्या था 4/7। जब दोनों को मिलाएंगे 3/7 को और मिलाएंगे 4/7 को, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, पूरी 1 meter की रस्सी हो जाएगी। हम बोलेंगे इसने दोनों को जोड़ा तो ये क्या बन गया, 1 meter बन गया। ठीक है, चलिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, थानी हैज पीस ऑफ रोप दैट इज 140 centimeter लॉन्ग। थानी के पास एक रस्सी है जो 140 centimeter लॉन्ग। ही कट्स ऑफ 3/7 ऑफ द रोप। उसने क्या करा, वो जो 140 centimeter लंबी रस्सी थी उसको 7 हिस्सों में काट के उसके 3 हिस्से अलग किए। हाउ मच रोप इज लेफ्ट। तो देखिए उसने जो रस्सी थी उसके 7 हिस्से बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और उसमें से उसने ये वाले 3 हिस्से काट दिए। अच्छा, अब 140 के जब 7 हिस्से बनाएगा तो हर हिस्से में 20 centimeter आ जाएगा। कैसे, 140 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 2 = 14, कुछ नहीं बचा, ये वाला 0 कहाँ चला गया, ऊपर, तो हर हिस्से में कितना आ गया, 20। तो ये सब 20 centimeter के पीसेस बन गए। अच्छा, उसने इसमें से कितने पीसेस निकाले हैं, उसने इसमें से 3 पीसेस निकाले हैं। तो सवाल ये था, हाउ मच रोप इज लेफ्ट ओवर, कितनी रस्सी बची, 20 20 20 20, 80 centimeter रस्सी बच गई है, लेफ्ट ओवर हो गई है। ठीक है, चलें ये सवाल भी आप कीजिएगा। हम चल रहे हैं अब कौन से सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करें। ये 2/8 थे और ये 4/8 थे। आसान तरीका, ये वाला नीचे वाला 8 हम ऐसे ही लगा देते हैं और ये 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, ये बन गया 6/8। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है हल करना। इसको हल कैसे करेंगे, नीचे वाला 5 कॉमन ऐसे ही आ जाएगा और 2 और 2 कितने हो गए, 4। इसका सब कॉन्सेप्ट ये है कि एक रस्सी है या एक चीज़ है, उसके 5 हिस्से किए हमें, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से 2/5 ये है और 2/5 ये है, तो 2/5 और 2/5 मिलके कितने हो गए, ये 2/5 है और ये 2/5 है, दोनों मिलके हो गए 4/5। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और हल करने का तरीका ये कि नीचे वाले अगर एक जैसे हैं तो उसको एक जगह लिख लेते हैं और ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से ये आपको बी और सी भी करते हैं। बी में 5/6 है, 5/6 को आप गिनती में कैसे लिखेंगे, 5/6, और ये 3/6 थे, 3/6, इन दोनों को ऐड करना है। अब आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 8/6। तो 8/6 में से जो 6 थे वो तो हो गए थे 1, सही, 6 क्या हो गए थे, 1, बाकी के 2 बचे थे, तो 2/8, 1 whole 2/8। इसको यूं भी आप सोच सकते हैं कि जब ऊपर वाली रकम बड़ी हो जाती है तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं 6 से, 6 बन रहा 6, 8 में से 6 गया 2,
लिखते हैं वन होल टू अपान सिक्स, वन होल टू अपान सिक्स। ऐसा हम उस वक्त करते हैं जब ऊपर वाली रकम बड़ी हो जाए और नीचे वाली रकम छोटी हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए पहले हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है अ मदर बाइज अ बॉक्स ऑफ स्वीट, एक अम्मी ने, एक वालदा ने एक टॉफियों का बक्स खरीदा। देयर आर 12 स्वीट्स इन द बक्स, और उस डब्बे में 12 स्वीट्स थी, यानी 12 टॉफियां थी। अब ये हमारे जहन में बुनियादी चीज़ है, इसकी बुनियाद पर हमें ये चार सवाल हल करने हैं। नंबर एक, द मदर वांट्स टू शेयर द स्वीट्स, वालदा ये चाहती हैं कि ये टॉफियां बांटें इक्वली, बराबर बराबर, बिटवीन हर 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों में 12 टॉफियां हैं, 3 बच्चों में बांटनी हैं। तो 12 को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 × 4 = 12, हर बच्चे को कितने मिलेगी, हर बच्चे को 4 टॉफी मिलेगी। ये ए हो गया। अब हम करने जा रहे हैं बी, हाउ मैनी स्वीट्स इज 1/3 ऑफ द बक्स स्वीट। सही है, उसका 1/3 क्या होगा, 1/3 का मतलब क्या होता है कि जितनी टॉफियां हैं 12, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1/3 का मतलब ये है कि आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जब आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से में आएगी 4, एक हिस्से में आएगी 4 और एक हिस्से में आएगी 4। तो 4 टॉफियां, ये इसका 1/3 है। ठीक है, यानी 3 हिस्सों में आपने टॉफियों को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, उसमें से एक हिस्से की बात हो रही है। तो हाउ मैनी स्वीट्स इन 1/3, 1/3 में कितनी स्वीट्स होंगी, 4 होंगी। इसका जवाब क्या होगा, 4। ठीक है, अगला, हाउ मैनी स्वीट्स इज 1/4 ऑफ द बॉक्स। क्वार्टर के बारे में आपको हमने बताया था, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जो 12 टॉफियां हैं, ये मैं 12 टॉफियां बना रहा हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन 12 टॉफियों को क्वार्टर, 1/4 का मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। जब आप 12 टॉफियों को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से में कितनी टॉफियां आएंगी, 3, एक हिस्से में 3 टॉफीज आएंगी। ये देखिए, मैंने इसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया है। तो 1/4 में कितनी टॉफियां आ गई, 3। तो हाउ मेनी स्वीट्स इन 1/4, इसका जवाब आ गया 3 टॉफीज 1/4 में होंगी। हाउ मेनी स्वीट्स इज 1/6, 1/6 में कितनी होंगी, 1/6 का मतलब 6 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। 12 टॉफियों को जब 6 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक हिस्से में 2 टॉफियां आएंगी। मैं ये 6 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम जब करूंगा 12 टॉफियों को, तो एक हिस्से में कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। तो इसका जवाब क्या होगा, 2। ठीक है, ये सवाल आपको करने हैं सारे इसी तरह से जैसे मैं करा रहा हूँ। आखिरी सवाल जो हम करने जा रहे हैं, 7। बॉनी हैज 30 मार्बल्स। ठीक है, बॉनी के पास 30 जो है वो मार्बल हैं। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल द मार्बल इज 10 मार्बल। 30 उसके पास कंचे हैं। मार्बल का मतलब क्या होता है, कंचे, जो बच्चे खेलते हैं गोलियां, उसको बोलते हैं मार्बल्स। बॉनी के पास 30 कंचे हैं। ठीक है, उस 30 में से 10 को अगर अलग कर लिया जाए तो वो क्या फ्रैक्शन होगा। तो देखिए, अगर 30 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, ठीक है। उसमें से ये जो 10 हैं, ये 10 दरअसल 1/3 है, क्योंकि जो 30 मार्बल हैं उसके 3 बराबर हिस्से किए जाएं, ठीक है, तो बनते हैं
टेन टेन ईच के अंदर आता, तो टेन क्या बना, वन थर्ड बना, क्या बना, वन थर्ड। इसका तरीका ये है सोचने का कि टोटल हमारे पास जो मार्बल हैं वो हम रखते हैं नीचे, और जितने मार्बल की बात हो रही है वो रखते हैं ऊपर। ये वाले जीरो से जीरो कट गया, हमारे पास आ गया वन थर्ड। क्लियर हो गई बात आपको? इसी तरह दूसरा सवाल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल द मार्बल इज 20 मार्बल। टोटल कितने मार्बल हैं, 30, उसमें से कितने मार्बल की बात हो रही है, 20। टोटल नीचे आता है और जितने की बात होती है ऊपर आता है, जीरो से जीरो कैंसिल, ये बनेगा 2/3। तो 20 मार्बल दरअसल 2/3 होते हैं, ठीक है। अगला सवाल आखिरी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल द मार्बल इज 5 मार्बल। 5 मार्बल क्या फ्रैक्शन बनाएगा, टोटल कितने मार्बल हैं, 30, उसमें से बात हो रही है किसकी, 5 की, ये फ्रैक्शन बनाएगा। ये कट भी सकता है, एक टेबल में आ रहा 5 1 5 5 6 30, तो हम बोलेंगे ये 1/6 पार्ट होगा, जो 5 मार्बल होगा वो 30 मार्बल का 1/6 पार्ट होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 7 के 7 सवालात आप अपनी कॉपी में करेंगे, लिखेंगे और कोशिश करेंगे खुद से समझने की, गौर करने की। जितने लेक्चर मैंने अब तक आपको दिए हैं उन सारे लेक्चर्स को जब आप एक साथ सोचेंगे, गौर करेंगे, तो ये सब बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। ये बात जहन में रखिए, जिन बच्चों का मैथ बहुत अच्छा होता है वही बच्चे सबसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, जिन बच्चों का मैथ अच्छा नहीं होता वो बच्चे ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।